मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने अब जाकर यूपी में मिली हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब जाकर खामोशी के ताले टूटे हैं। जिन्होंने योगी को झुकाने की कोशिश की उन्हें सबक सिखाने का सही समय आया है। जिन्होंने अयोध्या के नाम पर झूठ बोला उनका अब जाकर पर्दाफाश हुआ है। क्या है पूरा मामला आइए आपको बताते हैं। हार पर योगी की टूटी खामोशी, लखनऊ से योगी ने भरी हुंकार, विरोधियों का जमकर धोया, 2024 में दिखा दी 2027 की तस्वीर, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लखनऊ में आयोजित बीजेपी कार्य समिति बैठक में जैसे ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए उठे, सुनने वाले विरोधियों के कान खड़े हो गए। 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने वाले योगी बाबा ने एक महीने बाद जाकर यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर अपनी खामोशी तोड़ी है। योगी बाबा ने ये माना कि ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन इससे कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। इसके उलट अयोध्या के नाम पर जिन्होंने झूठ फैलाया उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन कैसे? अब की बार विरोधियों का जड़ से सफाया कैसे होगा, इस पर बोलते हुए योगी बाबा ने 2027 की तस्वीर भी दिखा दी। देखिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वागत उद्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रातःकालीन सत्र में विस्तार से अपनी बातें आपके सामने रखी। राजनीतिक प्रस्ताव में प्रदेश महामंत्री श्री अनूप कुमार गुप्ता जी ने और प्रस्ताव के समर्थन और अनुमोदन के लिए जो हमारे पदाधिकारी यहां पर अपनी बातों को रखे थे, उन्होंने भी विस्तार से इन सब मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब
हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे, आज जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ।